सुबह सुबह सब्जी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस एक बार ये रेसिपी ट्राई कर लीजिए। आपको कुछ भी नहीं पीसना पड़ेगा, ना ही अदरक, ना ही लहसुन, ना ही प्याज। बस एक बार मेरी ये रेसिपी ट्राई कर लीजिए और फिर आपको देखिएगा, आप देखिएगा आपकी सब्जी कितनी जल्दी बनकर झटपट तैयार हो जाती है, और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा सिवाय सब्जी काट के और मसाले में छोंकनी है। तो देखती जाइए मेरी रेसिपी। सुबह सुबह सब्जी बनाने में बहुत झंझट लगता है, प्याज छीलना, लहसुन छीलना, अदरक काटना, उनको पीसना। तो बस आप एक ही काम कर लीजिए और वो है, ये आपको सब्जी बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मिक्सी जार लेंगे और कुछ अदरक के टुकड़े लेंगे, इसमें डाल देंगे, और लेंगे 2 प्याज कटे हुए और मिक्सी जार में डाल देंगे हम इनको। और हम इसी के साथ लेंगे लहसुन छिला हुआ, तो इसे भी इसमें डाल देंगे। और साथ ही साथ इसमें डालना है हमें 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, तो इसको भी डाल देते हैं। और बस इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, पानी डाल करके हमें ये ग्राइंड करना है और इस जार को चला देना है। तो हमने मसाला पीस लिया है, अपनी वो ग्रेवी पीस ली है और एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, और दूसरी तरफ हमने अपनी कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। बस हमें कुछ नहीं करना है, इस पेस्ट को हमें इस तेल में छोड़ देना है और थोड़ी देर तक भून ले लेना है, थोड़ी देर तक भून लेना है। तो एक तरफ हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और अब कुछ नहीं करना है, बस इस पेस्ट को इस मसाले में इस तेल में छोड़ देना है और आँच से कर देना है मीडियम। तो बस हमें इस तेल में ये मसाला को थोड़ी देर तक ऐसे ही भून लेना है ताकि हमारा मसाला खराब ना हो, और ये सर्दियों में तो वैसे भी खराब नहीं होता है, तो ये सर्दियों में तो वैसे भी खराब नहीं होगा। बस इसे आप ऐसे ही भून सकते हो, और आप चाहो तो इसमें हल्दी, मिर्ची और भी कुछ डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह सब्जी बनानी होती है, तो मैं दूसरी मसाले वैसे ही ऊपर से डालती हूँ, सूखे मसाले जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी, तो मैं उनको ऊपर से डालती हूँ। बस 1 चम्मच इसी की ग्रेवी डाल देती हूँ। तो एक बार इस मसाले को ज़रूर बनाइएगा और बस थोड़ी देर इसे ऐसे ही भून लेना है और फिर इसे हम निकालेंगे। तो हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, अब हमें इसे एक बोल में निकाल लेना है दूसरे बर्तन में। तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है और मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है इसे। अब मुझे सुबह जब भी सब्जी बनानी होती है तो मैं इसी में से 1 चम्मच भरकर डाल देती हूँ, वो टीस्पून जो होती है उसे भरकर डाल देती हूँ सब्जी में, और मेरी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मैं इसे रात को बनाकर रख देती हूँ, और ये मसाला कम से कम 5 से 6 दिन तक खूब चलता है और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है क्योंकि इसे हमने तेल में तलकर रख दिया है। अब इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आप चाहो तो इसे बाहर भी रख सकते हो, इसका सर्दियों में तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन गर्मियों में 4 से 6 दिन तक ये फ्रिज में आराम से चल जाता है। तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा, आपको सुबह सुबह सब्जी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अब इस मसाले की सुबह सब्जी बनाऊंगी और 4-5 दिनों तक मुझे कोई भी मसाला नहीं पीसना पड़ेगा मिक्सी जार में। तो रेसिपी कैसी लगी जरा बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ अगली रेसिपी में।